औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक और व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये है काफ़ी बस्तनी आची ला है मेरे ख्याल से। ये एक आइसक्रीम पार्लर है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आइसक्रीम पार्लर और जूस सेंटर है। यहाँ पर आपके सामने ये आइसक्रीम के फ़्लेवर हैं, तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 फ्लेवर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या फ़्लेवर है इसमें। आपको मैं नाम बताता हूँ, दारक, कंद, अंबे, आम। मैं आपको तर्जुमा करके बताता हूँ कौन से। आम है, अच्छा चॉकलेट है, अपना क्या कहते हैं अखरोट है, उसके बाद है ये अपना तालिबी जिसको हम बोलते हैं कि हमने तरबूज है, तरबूज के बाद केक के साथ अपना केला है, फिर नोटेला आइसक्रीम है, केक पिस्ता है, माजून, केला, और ये अच्छा क्या कहते हैं केले के साथ चॉकलेट है। फिर ये दिखाता हूँ, ये जो मेरे ख्याल से ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी है, और ये वनीला के साथ भी मिक्स हुए है। ये शहतूत है, ये आप देख सकते हैं, शहतूत के अलावा एक वनीला के साथ शहतूत है, और ये डार्क चॉकलेट है। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, ये शॉप की लोकेशन है, ये ख़याबान आज़र पर मौजूद है, बिल्कुल चारा के बाद, चारा है पसाज जारा के बाद ये जो शॉप है। यहाँ पर माशाल्लाह देख सकते हैं, यहाँ पर ये जूस के लिए 3 मशीनें लगी हुई हैं, पीछे कुछ चीज़ें वगैरह वहाँ लगी हुई, केक वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, और ये यहाँ की देख सकते हैं आप इंशाल्लाह। मैं अंदर की लोकेशन दिखाता हूँ, मेन जो चीज़ है ना वो अंदर की लोकेशन है, अंदर की लोकेशन है माशाल्लाह से। ये प्यारा बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है इस जगह को कि मैं क्या बताऊँ आपको। 2 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं, ये 4 बंदों की जगह है, यहाँ पर आप 4 बंदे सुकून से बैठ सकते हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये 4 बंदे सुकून से यहाँ बैठ सकते हैं, 4 से 5 बंदे सुकून से। तो ये पूरा एक जगह है, फिर उसके बाद एक और जगह ये आती है, उसके बाद फिर एक और जगह ये है, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर भी इस तरफ भी जगह बने हुए हैं, और ये जगह आप देख सकते हैं 3-4 हट यहाँ भी बने हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बीच में बिछड़ा बेहतरीन सा एक फवारा है, फवारे से पानी निकल रहा है, और जो यहाँ पर आकर इस फवारे से आकर वापस दोबारा से वहाँ जा रहा है। इसमें मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ भी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं लाल मछलियाँ पड़ी हुई हैं। बहुत प्यारा लुक है और बहुत प्यारा मौसम है, अतराफ़ का जो मौसम है वो अच्छा है। यहाँ पर वॉशरूम भी है, आपको सामने देख रहे हैं वॉशरूम है। यहाँ पर ये गर्मियों में कूलर है, अगर आप चाहें तो कूलर ऑन करवा सकते हैं ठंडे हवा के लिए, तो वो मुस्तकीम हवा जो पूरा जाएगा। ये आप लोकेशन देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लोकेशन। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, तो मैं बहुत मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो इंशाल्लाह आपके साथ आपकी शॉप की भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये इंशाल्लाह ताला ख़याबान आज़र, चारा पसाज दारा के बाद ये सीधे हाथ पे 3 दुकान छोड़ के चौथी शॉप है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा शॉप, आइसक्रीम, बैठने की जगह अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है। आप आएँ बैठें और आइसक्रीम, जूस, केक वगैरह यहाँ पर आप खा सकते हैं। यहाँ हाथ धोने की जगह भी है माशाल्लाह से, हर चीज़ निकली। गर्मियों में सर्दियों आऊँगी तो यहाँ पर वो बुखारी जिसको बोलते हैं कि गर्म करने वाला, तो वो भी लगा हुआ है। ऊपर भी कूलर लगे हुए देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम, बहुत अच्छा लोकेशन इंशाल्लाह ताला। ये ईरान की आइसक्रीम पार्लर की शॉप है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह। इल्तमास दुआ या अली। अल्लाह हाफिज़।